हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैंने बताया है कि आप ये फुल फेस HD ब्राइडल मेकअप कैसे कर सकते हैं और साथ में ये मेटालिक गोल्ड आई शेडो आप कैसे ये आई मेकअप कर सकते हैं। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल और भी इस तरह के मेकअप के वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आईब्रो बना रही हूँ मैं और इसके लिए मैंने बेनिफिट का आईब्रो पोमेड यूज़ करा है और इसके साथ में ये छोटा सा ब्रश आता है आईब्रो पोमेड के साथ में, बहुत ही कन्वीनियंट है। और ये जो आईब्रो पोमेड है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, तो बहुत ही अच्छा है ये और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है, बहुत ही लाइट वेट सा है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है आईब्रो के लिए। और ये एक तरफ हो गया है, दूसरी तरफ भी मैं इसको इसी तरह से कर लूँगी। और अब ये मैंने लोरियल का कंसीलर लिया है, इसका नाम है मोदन कंसीलर और 328 नंबर है इसका। तो मैं इसको आई बेस की तरह यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा ये बेस देता है आपके आई शेडो के लिए। और क्योंकि ये फुल कवरेज है, मैट है, तो ओवरऑल ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और अच्छा एक बेस देता है। और जैसे कि आपने देखा वहाँ बिल्कुल उधर एज पे एकदम नहीं हो पाया था, तो ये मैं छोटा ब्रश लेकर और इस तरह से कर रही हूँ जिससे नीट एंड क्लीन एकदम लगेगी हमारी आईब्रो। और अब ये मैंने लिया है पैलेट, ये फोकेल्यूर का पैलेट है। तो पहले बिल्कुल लाइट शेड मैंने लिया था जिससे कि दूसरा कोई भी मैं शेड उसके ऊपर लगाऊंगी तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा वो। और अब इसको मैं लगा कर और थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मैंने ये डार्क ब्राउन शेड लिया है, तो इसको भी हम लगा के और साथ साथ में इसको हम ब्लेंड करते जाएंगे। और अब ये शेड लिया है मैंने तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा जो हमारा ब्राउन कलर है। तो यहाँ पर इसको लगा कर और मैं दोनों को मिक्स करके और थोड़ा इसको मैं डार्क कर रही हूँ। और अब ये साइड में मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लगाया है और दोबारा से अब हम ये कंसीलर लेंगे और इसकी हेल्प से मैं क्रीज़ को कट करूँगी। तो एक बहुत ही छोटा मैंने फ्लैट ब्रश लिया है और बहुत ही आसानी से इससे क्रीज़ कट हो जाती है और इस तरह से बस मैं हाफ़ कट क्रीज़ यहाँ पर बना रही हूँ। तो पूरी आईलेट पर आपको कंसीलर पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप इसको कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए इस तरह उंगली से। और दोबारा से हम डार्क ब्राउन शेड लेकर और यहाँ पर हम लगा देंगे जिससे कि थोड़ा डेप्थ लगेगी। और अब ये शेड लिया है मैंने और ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है और गोल्डन शेड है ये, तो ये नाम है इसका, इस पैलेट का। और ये शेड लेकर मैंने ये छोटा ब्रश लिया है मॉर्फी का, छोटा फ्लैट ब्रश आई शेडो के लिए, और इसके हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ इस तरह से। और बाकी जो है वो मैं इसको उंगली से ही लगा लूँगी तो ज़्यादा इसका पिगमेंटेशन आएगा। और अब ये मैंने निक्स का लिया है, ये लिक्विड ग्लिटर है, तो इसका नाम है इंडस्ट्रियल बीम। तो इसको मैं पूरी जहाँ पर हमने गोल्डन लिया है वहाँ पर हम पूरे में इसको लगा देंगे। और ये ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको लगाने के बाद आप अच्छे से इसको ड्राई होने दीजिए किसी पंखे से या किसी तरह से इसको हिलाकर। और पहले इसको ड्राई करिए, आईज़ मत खोलिएगा नहीं तो ये बिल्कुल मैस हो सकता है। और ड्राई होने के बाद यहाँ थोड़ी सी जगह पर मैंने वापस से जो गोल्डन शेड था हमारा उसको लगाया है और इधर मैं थोड़ा सा ब्लैक इसमें मिक्स कर रही हूँ, डार्क ब्राउन थोड़ा इस तरह से, तो अच्छा लगेगा वो। और अब लाइनर लगा लेते हैं। तो ये मैंने नेक्स का लाइनर लिया है, तो यहाँ पर मैं विंग्ड लाइनर बना रही हूँ और ये विंग जो है थोड़ा सा लंबा करके अगर आप बनाएंगे तो आई शेप आपकी बहुत अच्छी सी लगेगी। और अब ये छोटा विंग लाइनर मैं इस तरह से आगे की तरफ बना रही हूँ। और जेल लाइनर मैंने लिया है इसको बनाने के लिए, मैंने कीको मिलानो का जेल लाइनर लिया था। और यहाँ पे मस्कारा हम लगा देंगे और ये नेक्स का मस्कारा है और वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो कुछ भी आईज़ वगैरह में इस तरह की चीज़ें आप वाटरप्रूफ ही लगाइए तो बिल्कुल भी वो निकलेंगी नहीं। और लिप बाम लगा लिया है मैंने अब, और यहाँ पे मैंने कोल्ड क्रीम लगाई है और ये मैंने
बॉडी शॉप का बॉडी बटर लगाया है, रोज़ उसमें नाम है उसका। और प्राइमर अब मैंने लगाया है ये बेनिफिट का, और बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये, और इससे आपका मेकअप काफ़ी देर तक टिका भी रहेगा, अच्छी एक बेस बनाएगा ये आपके मेकअप के लिए। तो पूरे फेस पर इसको अच्छे से लगा लीजिए। और अब यहाँ पे मैंने एले गर्ल का कलर करेक्टर लिया है, और जहाँ पे भी ब्राउन स्पॉट्स वगैरह हैं तो वहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ। और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आपको लगाना है ये, क्योंकि फिर फाउंडेशन या कंसीलर से कवर अप करने में आपको मुश्किल आएगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हिसाब से आप करके इसको। और हाथ से, उंगली से, जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब ऐसे एक लेयर सा, क्या बोलना चाहिए, थुपा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छे से नाइसली ब्लेंडेड होना चाहिए। तो अब उसको लगाने के बाद उसको उसको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा केकी हो जाएगा फेस आपका, तो उसको सेट मत करिए। उसके ऊपर अब मैंने ये HD वाला फाउंडेशन लगाया है, ये एले गर्ल का। और यहाँ पर मैं ब्रश से इसको ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिससे कि बिल्कुल भी मेस नहीं हो जाए। और आईब्रो के आसपास ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह से आप नीट एंड क्लीन करके एकदम लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने ये फेस कॉन्ट्रोल करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का ये फाउंडेशन स्टिक लिया है, और F13 ये नंबर था, तो इसकी हेल्प से मैं इसको इस तरह से कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, चीक्स पे लगा रही हूँ, और इसको मैं नोज़ पर भी लगा रही हूँ। और अब बस इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से ही, तो चीक्स पर, नोज़ पर इसी तरह से ब्लेंड करेंगे। और अब ये मैंने लिया है कंसीलर, और ये NYX का कंसीलर है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर है ये, तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके ही लगा रही हूँ। और आपके जो भी अंडर आइज़ वगैरह ये हैं, अगर आपके कुछ डार्क सर्कल वगैरह हैं तो वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इसको भी हम इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ही हम इसको ब्लेंड कर देंगे। और ये वेट, मतलब जैसे कहना चाहिए डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने पानी के नीचे करके और फिर अच्छे से निचोड़ा है, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इससे एक दो शेड बिल्कुल अपने स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर लगा रही हूँ, तो जहाँ कहीं भी आपके स्पॉट्स वगैरह हैं या कुछ ऐसा है तो वहाँ पर आप उसको ज़रूर लगा लीजिए। और अब ये सेट करने के लिए मैंने ये बनाना पाउडर लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का, तो अंडर आइज़ मैं इसको लगा रही हूँ। और बहुत देर तक इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको लगा के अच्छे से देख लीजिए कि सेट हो गया है कि नहीं, और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आप लीजिए पाउडर, जब भी आप लें तो अच्छे से वो अंडर आइज सेट होगा, तो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लीजिए। और अब ये पाउडर लेके और मैं पूरे फेस पर इसको लगा रही हूँ, और हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए जैसे मैं कर रही हूँ, जिससे कि पाउडर जो है आपके फेस में अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से मतलब फाउंडेशन कंसीलर जो भी है सब कुछ अच्छे से सेट होगा। और अब यहाँ पर मैंने हूला ब्रॉन्जर लिया है, तो इसको जहाँ पे हमने पहले किया था कॉन्टूर उसके ऊपर ही मैं कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर इस तरह से मैं कर रही हूँ जिससे कि फेस एकदम स्कल्प्टेड लगे हमारा, और हल्का सा नोज़ पर भी इसको लगा रही हूँ मैं। और अब ये ब्लश लिया है मैंने, और ये क्लिनिक का ब्लश है, ये इसका नाम और नंबर है, तो इसको मैं लगा रही हूँ। और हल्का सा ब्लश जो है ना, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही करके रखिएगा क्योंकि सामने से हल्का सा लग सकता है कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वीडियो में क्योंकि लाइट्स वगैरह होती है, बहुत लाइट पड़ती है, तो वॉश आउट भी हो सकता है, तो हल्का सा ज़्यादा आप उसको ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, सेम मैंने शेड्स लिए थे, वही जो ऊपर यूज़ करे थे आईलेट पर, उन्हीं को लिया है मैंने। और ये मैंने आई पेंसिल ली है किको की, तो न्यूड आई पेंसिल है, आईज़ इससे आपकी बड़ी बड़ी भी लगेंगी, अगर आपकी छोटी आईज़ हैं तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये ग्लिटर लिया है मैंने अब W7 का, और लिक्विड ग्लिटर है ये, तो जहाँ पे गोल्डन लगाया था मैंने वहाँ उसको मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर आई मेकअप ख़त्म हो गया है, और अब ये इसी में से मैंने ये जो बेनिफिट का पैलेट था इसी का मैंने लिया है ये हाइलाइटर, और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये, ओवरऑल पैलेट ये, इनके प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो नोज़ पर इसको मैंने लगाया है, और अब ये थोड़ा सा मैं इसको क्यूपिड बो पर लगा रही हूँ।
बहुत हल्का सा मैंने इसको चिन पर लगाया है, ये फोरहेड पर लगाया है। ये ग्लो वगैरह जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो अच्छा लगता है या थोड़ा सा थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से आप चाहते हैं। यहाँ पे हल्का सा मैंने कंसीलर लगा लिया है जिससे लिपस्टिक हमारी ज़्यादा देर तक टिकेगी। और ये लिपस्टिक ली है मैंने कलर पॉप की और इसका नाम है एवेन्यू, तो मैट लिपस्टिक है ये, तो मैं इसको लगा रही हूँ। और बहुत ही सुंदर मरून कलर है ये, बहुत ही अच्छा लगता है सामने से देखने पे, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना कैमरा पे इतना मज़ा नहीं आता देखने में, सही बताऊँ तो। और अब ये मैंने लैशेस ली हैं और बहुत अच्छी लैशेस हैं ये, प्राइमार्क पे मिल जाती हैं ये, सोसू लैशेस इनका नाम है, तो ये प्राइमार्क पे आपको मिल जाएंगी। और एंड में मैंने ये लिया है, क्या था ये, एच डी फिनिशिंग पाउडर लिया था मैंने, तो इसको थोड़ा कम कम करके ही लगाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही लाइट हैंड से, और आपको इस तरह से लगा लीजिए। मैंने ज्वेलरी पहन ली है, आप लगाएं तो ज़रूर पहले आपको ये लगानी है ये चीज़। और मेकअप को सेट करने के लिए मैंने ड्यूई फिनिश वाला लिया है सेटिंग स्प्रे, आप चाहें तो मैट फिनिश वाला भी ले सकते हैं। और बस ये ख़त्म है मेकअप यहाँ पर, तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अगर तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और भी इस तरह के मेकअप के वीडियोस के लिए, और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जिनको भी मेकअप अच्छा लगता है, पसंद है। और मुझको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप वहाँ पर हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।